तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्मेसी स्टूडेंट की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फार्मेसी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्द कैप राउंड भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको कैप राउंड से रिलेटेड चार टिप्स दूंगा, जो टिप्स आपके बहुत काम में आने वाली है। अगर आप मेरी बताई हुई इन चार टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कैप राउंड की क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, क्या जुगाड़ है, कैप राउंड किस एल्गोरिथम पे वर्क करता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस आपको सब्र से ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। टिप नंबर वन, सबसे पहले आपको फार्मेसी के जो भी लास्ट ईयर कट ऑफ है आपको सबसे पहले वो चेक करने होंगे और उन कट ऑफ से आपको अपने मार्क्स मैच करने होंगे और उसी के हिसाब से आपको एक लिस्ट अरेंज करनी होगी और उस लिस्ट में जो बेस्ट कॉलेजेस है आपके अकॉर्डिंग आपको उन्हीं कॉलेज को टॉप पे रखने, यानी कि जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे आपको उन्हीं कॉलेज को सबसे ऊपर रखना है। और यहाँ मैं ये इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे इसी गलती करते हैं, जिन बच्चों का स्कोर, जिन बच्चों का परसेंटाइल 60 होता है लेकिन फिर भी वो टॉप पे जामिया हमदर्द जैसे कॉलेज को रख देते हैं और फिर आखिर में होता ऐसा है कि उनका कैप राउंड वन वेस्ट चला जाता है क्योंकि वो इस तरह के टॉप लेवल कॉलेज को सबसे ऊपर रख देते हैं। और जो 50% के भी अंदर वाले बच्चे जो एक्सपर्ट से सलाह लेकर सोच समझ कर कैप राउंड फॉर्म भरते हैं तो उनका सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में हो जाता है और वो 60% वाले को पीछे गिरा देते हैं। हाँ, अगर आपका स्कोर अच्छा है, आपका रैंक अच्छा है और आपका कट ऑफ जामिया हमदर्द जैसे टॉप लेवल कॉलेज से मिलता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे कॉलेज को आप टॉप पे रखें। अदरवाइज यार, अगर आप कम परसेंटाइल पे भी हाई लेवल कॉलेज को अगर आप टॉप पे रखोगे, अपने ऑप्शन फॉर्म में ऊपर रखोगे तो ये लॉटरी टिकट नहीं है कि आपका पहले राउंड में सिलेक्शन हो जाए। तो आप खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके घर से भी किसी ने कैप राउंड दिया होगा, अगर आपके घर से कोई ग्रेजुएट है तो आप चाहे तो उनसे भी पूछ सकते हो, अपने किसी एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हो कि भाई कैप राउंड किस तरह से खेला जाता है और मेरी बताई हुई टिप्स सही है या गलत, ये आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हो। टिप नंबर टू, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया में बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज है और बहुत से कॉलेज के लगभग सेम नेम होते हैं, एक जैसे नाम होते हैं और जब हम ऑप्शन फॉर्म के लिए जब हम तैयार होते हैं, जब हम ऑप्शन फॉर्म फिल करते हैं तो हम पे वक्त इतना प्रेशर होता है कि कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि हर कॉलेज का एक इंस्टीट्यूट कोड होता है, तो जब भी आप ऑप्शन फॉर्म फिल करने बैठोगे तो कॉलेज को इंस्टीट्यूट कोड के हिसाब से आपको फिल करना होगा, तो तब आपसे ये गलती नहीं होगी। और साथ ही मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से फॉर्म नहीं भरिए कि कभी कभी वहाँ पर स्कैम हो जाता है, वहाँ पर आपके साथ कोई चीट कर सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक तो साइबर कैफ़े पे जाके फॉर्म भरिए या तो फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से फॉर्म भरिए। टिप नंबर थ्री, जब भी आप ऑप्शन फॉर्म फिल करने बैठोगे तब आपके पास चॉइस होती है कि आप 300 से भी ज़्यादा कॉलेज उसमें फिल कर सकते हो, आप उसमें 300 से भी ज़्यादा कॉलेज डाल सकते हो। तो ये सबके लिए इसके लिए सब एलिजिबल होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ ऐसी गलतियाँ करते थे कि कभी कभी कोई मैनेजमेंट से एडमिशन लेना चाहता है, कोई प्रोविजनल एडमिशन लेना चाहता है, यहाँ तक कि कुछ बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हमारा इस कॉलेज में नंबर लग जाएगा, तो ऑप्शन फॉर्म में वो क्या करते कि भाई एक ही कॉलेज सिलेक्ट करते हैं और कभी कभी उनका सिलेक्शन ना होने की वजह से उनका कैप राउंड वेस्ट चला जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बैठोगे तो आप एटलीस्ट कैप राउंड वन में कम से कम 30 कॉलेज भी तो आप सिलेक्ट कीजिए, आप उसमें कम से कम 30 कॉलेज डालिए, अदरवाइज उसमें आप 300 कॉलेज भी डाल सकते हो। और जिन बच्चों का रैंक कम है, जिन बच्चों का स्कोर कम है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें 30 से भी ज़्यादा कॉलेज डालिए, अदरवाइज आपको उसमें कम से कम 30 कॉलेज डालने होंगे, तो आपका चांसेस है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए और आपका कैप राउंड वेस्ट ना हो। टिप नंबर फोर, इस टिप को आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, अगर आपका कैप राउंड वन में अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो भी गया हो तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैप राउंड टू के लिए जाओ, क्योंकि कैप राउंड वन में सिलेक्शन होने के बाद में कैप राउंड टू के लिए एक सीट मैट्रिक्स आ जाता है, तब आपको चेक करना होगा कि जो टॉप लेवल की कॉलेज है, जो हाई लेवल की कॉलेज है, वहाँ पर कितनी कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है और कौन सी कास्ट के लिए अवेलेबल है, आपको ये सब चेक करना होगा। और कैप राउंड में मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अगर आपका कैप राउंड वन में अगर अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ हो तो आप कैप राउंड टू में जो हाई लेवल की कॉलेज है, टॉप लेवल की कॉलेज है, जो बेस्ट लेवल की कॉलेज है, आपको उन्हीं को ऊपर रखना होगा। क्योंकि यहाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा मैंने बहुत से स्टूडेंट के साथ देखा है कि उनका कैप राउंड टू में अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जैसे ही आपका कैप राउंड वन में अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया हो तो आप सीट मैट्रिक की मदद से, कट ऑफ की मदद से आप कैप राउंड टू के लिए अच्छे कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहाँ आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि भाई आपका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कैप राउंड टू को भी वेस्ट ना जाने दें, कैप राउंड वन में अगर सिलेक्शन हुआ भी हो तब भी आप कैप राउंड टू के लिए अप्लाई करें।
तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपका कास्ट वैलिडिटी से रिलेटेड कोई इशू हो तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी चेक कर सकते हो। और साथ ही फार्मेसी के लिए जो बेस्ट कॉलेज है उस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए।